एवरीवन को कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलना चाहती हूँ, आगे भी वो पार्टिसिपेट करता रहे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करता रहे। रोज़ गेम भी होता है, एक्टिविटी भी होता है, डांस भी होता है, ड्राइंग भी होता है, सभी एक्टिविटीज़ होती है। हमें प्राउड है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ता है, बाल फुलवारी स्कूल में, और मैं चाहती हूँ कि और भी बाकी बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और वो भी आगे जाएं। तो बहुत बहुत बधाई, और ये चुलबुला सा आगे खूब बढ़े और खूब करे और सब बच्चों को प्रेरित करे। अपना स्कूल की बहुत बहुत मेहरबानी जिन्होंने इतना मतलब इसके ऊपर सहयोग किया, कोच साहब का बहुत बहुत आभार है। युवान ने बाल फुलवारी स्कूल का नाम रोशन किया। युवान ने बहुत ही कम उम्र में एक अचीवमेंट हासिल की है। इतने कम उम्र में बच्चे खेल कूद पे वैसे ही कुछ नोटी होते हैं कुछ अलग, पर इसने अलग ही अपनी एक पहचान बना ली है इस टाइम। उसके कारण आज ये नेशनल लेवल पे जो मतलब 6 साल तक के बच्चों का जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर सिल्वर मेडल ला करके इसने महेंद्रगढ़ का नाम रोशन किया। स्कूल का एनवायरनमेंट के बारे में पूछे या बच्चों के जो रख रखाव के बारे में या जैसे भी मतलब टीचर्स के बारे में, तो वो सराहनीय है, मतलब तारीफ के काबिल है। लेकिन अपने हरियाणा से जो सबसे कम एज कैटेगरी का बच्चा खेला वो युवान ही था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं खास तौर पर आज बाल फुलवारी स्कूल के अंदर, जहां पर अभी सेलिब्रेशन हुआ है, फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई है। युवान जो बच्चा है इसकी खास तौर पे क्योंकि इन्होंने कराटे के अंदर मेडल जीता है। अब कौन सा मेडल जीता है और कौन सी प्रतियोगिता थी, ये सारी बातचीत करेंगे। स्कूल के आप कह सकते हैं कि ओनर्स भी यहाँ पर हैं और साथ में जो कराटे कोच है वो भी यहाँ पर है, और इस बच्चे के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। सभी से करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं बच्चा कहाँ पर कैसे गया था जी पार्टिसिपेट करने? अभी ये युवान है, मात्र 4 वर्ष का बच्चा है जी, और ये एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करता रहता है हमेशा। हमारा भी पूरा सहयोग रहता है, इनके परिवार का भी पूरा सहयोग रहता है, कोच की बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है, और उसके कारण आज ये नेशनल लेवल पे जो मतलब 6 साल तक के बच्चों का जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर सिल्वर मेडल ला करके इसने महेंद्रगढ़ का नाम रोशन किया। नेशनल लेवल के गेम्स थे? नेशनल लेवल के गेम थे, और ये मतलब यूपी में आयोजित हुए थे, आगरा में। अच्छा, तो कोच यहाँ पर मौजूद? हाँ बिल्कुल, लोकेश जी हैं जिन्होंने इसको ट्रेनिंग। लोकेश जी नमस्कार, बड़ी अचीवमेंट हासिल करवा दी आपने तो। बिल्कुल सर, ये कब से आ रहा है आपके पास? सर ये 1 साल से मेरे पास आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो तो आप देख रहे हो। फर्स्ट टाइम में इसने नेशनल में सिल्वर मेडल प्राप्त करा है, और आगे भी मैं चाहता हूँ और मेहनत करवाएंगे कि अगली बार ये नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आए। अच्छा, ये जो एक्टिविटी थी ये कहाँ पर हुई, कब हुई? ये सर 4 और 5 तारीख को आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में करवाई गई थी, जो कि बहुत ही वहाँ का आगरा का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और हमें रहने खाने कि सभी बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई वहाँ पे सभी बच्चों को जी। अच्छा, मतलब ये जो प्रतियोगिता है ये छोटे बच्चों की भी थी, कुछ बड़े बच्चों की भी रही होगी ना? छोटे बच्चे सभी एज कैटेगरी के बच्चों की थी वहाँ पे, लेकिन अपने हरियाणा से जो सबसे कम एज कैटेगरी का बच्चा खेला वो युवान ही था। वो युवान ही था। तो युवान बेटा, हेलो युवान। हेलो, आपने आपने पार्टिसिपेट किया था जी? कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया था? कराटे। युवान कराटे। कराटे में? अच्छा, आप अकेले गए थे स्कूल से? कोच सर के साथ 10 बच्चे और गए थे। भैया के साथ? भैया के साथ गए थे। और वहाँ पर आपने एक ही राउंड खेला, दो राउंड खेले? बताओ कितने? वन राउंड खेला, उसी में जीत गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप क्या लगते हैं इनके? मैं नाना जी लगते हैं। तो क्या बोलते हैं, दो इतन बड़ी मतलब उपलब्धि हासिल की इन्होंने, बहुत इसके बारे में क्या कहें, जो भी कहेंगे ना वो बहुत कम होगा। सबसे पहले
अपना स्कूल की बहुत बहुत मेहरबानी है जिन्होंने इतना मतलब इसके ऊपर सहयोग किया। कोच साहब का बहुत बहुत आभार है जिन्होंने अपना इतना समय लगा करके इसके ऊपर इतनी मेहनत करवाई कि मतलब इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने मतलब नेशनल में अगर जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे लिए स्कूल के लिए कोच साहब के लिए इन सब के लिए बहुत बहुत ये लोग बधाई के पात्र हैं। आप वैसे भी स्कूल में आते रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार है यहाँ पर? ये स्कूल का एनवायरनमेंट के बारे में पूछे या बच्चों के जो रख रखाव के बारे में या जैसे भी मतलब टीचर्स के बारे में, तो वो सराहनीय है, मतलब तारीफ के काबिल है। तारीफ के काबिल। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि एक मेरा छोटा सा बेटा सिल्वर मेडल लेके आया है कराटा में, इसको बहुत बहुत बधाई और ये चुलबुला सा आगे खूब बढ़े और खूब करे और सब बच्चों को प्रेरित करे। अच्छा, यहाँ पर जैसे बाल फुलवारी में अपने हैं, संगीता मैम, पारस जीन के बारे में क्या कहें? ये बहुत अच्छी मैडम है, खूब अच्छे से बच्चों के ध्यान रखती हैं, हर चीज़ में बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। नहीं जी। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बेटे युवान को, इनके कोच लोकेश को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, नाना नानी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि युवान ने बाल फुलवारी स्कूल का नाम रोशन किया और इससे बच्चे ज़्यादा उत्साहित होकर के आगे भी इस स्कूल का, बाल फुलवारी स्कूल का नाम रोशन करेंगे। साथ ही बाल फुलवारी के चेयरमैन को और पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत करा करके बच्चों को नेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट के लिए भेजा। बहुत अच्छी बात है जी। तो यहाँ मैम भी उपस्थित है। नमस्कार जी मैडम। नमस्ते सर। आपके अपने स्कूल से छोटा सा बच्चा गया और नेशनल लेवल का मेडल लिया है, क्या कहेंगे युवान के बारे में? युवान ने बहुत ही कम उम्र में एक अचीवमेंट हासिल की है। इतने कम उम्र में बच्चे खेल कूद पे वैसे ही कुछ नोटी होते हैं, कुछ अलग, पर इसने अलग ही अपनी एक पहचान बना ली है। इस टाइम उसने जूडो कराटे में जो सेकंड पोजीशन प्राप्त की है और सिल्वर मेडल लिया है बच्चे ने, तो इसके माँ बाप को और कोच लोकेश सर को और ग्रैंड पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसने पूरे स्कूल का, पूरे देश का, नेशनल बेस पे हुआ तो नेशनल पूरे देश का नाम रोशन किया है इसने जी। अच्छा पारस जी, आज अभी इसको कैसे कैसे सम्मानित किया गया, एक बार बताएं दर्शकों। अभी बच्चे को सम्मानित किया गया, इनके पेरेंट्स को भी हमने इन्वाइट किया है। और देखो, बच्चे अगर सम्मानित होते हैं, पेरेंट्स सम्मानित होते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। दरअसल क्या होता है कि जैसे पहले हम देखते थे कि खेलों में दूसरे देशों के लोग ही मेडल लाते थे, लेकिन पिछले लगभग 10-12 साल से भारत के लोगों को जब मौका मिला तो मेडल की बौछार हो गई और हरियाणा का उसमें सराहनीय योगदान रहता है। अगर हम बच्चों को 2-3 साल की उम्र से ही खेलों के प्रति मतलब सिस्टम के साथ फॉलोअप दें, तो वो बच्चे, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, वो नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी पदक लेकर के आ सकते हैं। और युवान को मेरी शुभकामनाएं हैं, ये ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आएगा जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब वो ख़त्म हो गया। अब कैरियर, बिल्कुल, अब कैरियर बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में बच्चे को मतलब संतुलित होकर के काम करना पड़ता है। और जो बच्चा खेलों में इस प्रकार से मतलब रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उन बच्चों का आत्मविश्वास अधिक होता है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ वो खेलों में नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी इसकी वजह से आगे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो बाल फुलवारी स्कूल के अंदर हम थे, एक बार नीचे चलो भाई, इधर आ जाओ। तो बाल फुलवारी स्कूल के अंदर हम मौजूद थे और यहाँ पर अभी इसकी, इस बच्चे के ना फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो है ना वो हुआ है। कुछ मैडम यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी मैडम। बच्चा जो है, हाँ जी, कुछ लेकर आए मेडल वगैरह? ये मेडल लेकर आए, एक बार थोड़ा पढ़ के बता दीजिए सर इसको। आप ये है, देख लीजिए आप पूरा इसमें, और वो सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, दोनों दिखा देंगे जी। वो हो गया, उधर का भी दिखा दो। ठीक है जी मैडम, युवान के बारे में क्या कहेंगे? सर, युवान के बारे में यही कहना चाहूँगी मैं, बहुत ही मेहनती बच्चा है और उसने ये मेडल जीतकर हमारा और अपने देश का, अपने स्टेट का और अपने गांव का, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन किया है। हमें प्राउड है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ता है, बाल फुलवारी स्कूल में। और मैं चाहती हूँ कि और भी बाकी बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और वो भी आगे जाएं। जी, बहुत थैंक यू सो मच। अरे आप में से कौन बातचीत करेगा, एक बच्चा कोई बताए। और राम नहीं, हनुमान बना था। हनुमान बना था, तो राम हनुमान की जोड़ी अच्छी होती है। हाँ, युवान के बारे में क्या कहोगी, मेडल लेके आए? अच्छा, युवान बहुत बधाई हो। अच्छा, और बताओ। इतनी सी उम्र में उसने सिल्वर मेडल ले लिया। हाँ। मतलब क्या, कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात है, वेरी गुड। बस बस। हाँ जी, आप बताओ क्या कहोगे भाई? युवान ने बहुत ये
अच्छा काम कराटे किया। कराटे करके बहुत अच्छा काम किया और मेडल भी लिया, मैं तब से उसे बहुत बधाई हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और बेटा आप क्या कहेंगे? सर मैं युवान को कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलना चाहती हूँ, आगे भी वो पार्टिसिपेट करता रहे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करता रहे। स्कूल में इस तरह से जैसे और क्लासेस लगती हैं ये सब चीज़ें? हाँ जी सर, रोज गेम भी होता है, एक्टिविटी भी होता है, डांस भी होता है, ड्राइंग भी होता है, सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। और स्पेशल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किस प्रकार से कोऑपरेट करते हैं? मैनेजमेंट कोऑपरेट करते रहते हैं सर, मैम बता देती है कि ऐसे पार्टिसिपेट करना है, अगर कुछ नहीं पता हो तो हमें दोबारा इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसे कर लो मैम। जी ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे और यहाँ पर था एक शानदार कार्यक्रम। बाकी इस तरह से जो पॉजिटिव खबरें हैं हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। जो मेडल वगैरह जो बच्चे हैं ये लेकर आ ही रहे अपने क्षेत्र में, खेल से संबंधित अब हमारा जो क्षेत्र है वो जागरूक हो चुका है और यहाँ पर बच्चों ने छोटी सी उम्र में ही जो है ना मेडल लेना शुरू कर दिया है। तो आप क्या कहेंगे इस कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी बाल फुलवारी स्कूल के बारे में और युवान के बारे में अवश्य लिखें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, पावर से तेज कर, पीछे वाला सामने नजर रख के कर पंच। युवान फास्ट कर, किक करो, फास्ट फास्ट फास्ट, गुड, साइड किक करो। हाँ हाँ ये वाली करो।